फिर मैं चला था ई लर्निंग स्कूल पर। सचिन हम पढ़ रहे थे वर्ल्ड एनर्जी के, उसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रमुख नियम एवं सिद्धांत। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आ रहा है हमारा डॉपलर का नियम। ये डॉपलर का नियम होता क्या है? स्रोत यानी कि सुनने वाला, स्रोत यानी कि साउंड जनरेट कर रहा है के मध्य सापेक्ष गति हो तो श्रोता को स्रोत की आवृत्ति क्या होगी वो बदली हुई प्रतीत होती है। मान लीजिए ये आपका स्टेशन है, ये ट्रेन आ रही है, आपने इसने हॉर्न बजाया और एक इंसान यहाँ पर खड़ा है, तो ये क्या करेगा? जब ये इसकी तरफ को आएगी तो क्या होगा? उसको साउंड ज्यादा सुनाई देगा। लेकिन जब ये इससे दूर चली जाएगी तो इसको साउंड क्या होगा? इसको साउंड कम सुनाई देगा। तो जो इसकी आवृत्ति है वो क्या होगा? वो चेंज हो रही है। तो यही क्या, यही डॉपलर का इफेक्ट है। ओम का नियम क्या कहता है कि चालक की भौतिक अवस्थाओं में अपरिवर्तित रहे, यानी उसकी जो भौतिक अवस्थाएं हैं टेम्परेचर वगैरह लंबाई वगैरह उसमें कोई चेंज ना किया जाए, तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के निष्पत्ति क्या होती है, इनको कॉन्स्टेंट होती है। कहने का मतलब यह है कि इसके अंदर जो ये वी अपॉन आई क्या होगा, ये आपका कॉन्स्टेंट होगा। यदि उसकी क्या ना की जाए, उसकी चेंज ना की जाए फिजिकल क्वांटिटी में, तो वी अपॉन आई हमसे क्या होंगे, यानी कि उनके बीच हमें से जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। यही हमारा ओम का नियम है। उष्मा गति का नियम, पहला नियम है कि यांत्रिक क्रिया में उत्पन्न उष्मा कार्य के समानुपाती होती है, यानी कि जो आपकी हीट जनरेट हो रही है वो किसके प्रोपोर्शनल है, उसके अंदर जो वर्क किया जा रहा है उसके प्रोपोर्शनल है। द्वितीय नियम कहा जाता है कि उष्मा के संपूर्ण भाग को यांत्रिक कार्य में बदलना संभव नहीं है। क्या नहीं मतलब, यही हमने उष्मा की है उसके संपूर्ण भाग को हम यांत्रिक यानी कि जो मैकेनिकल वर्क है उसमें बदलना, क्या है उसमें बदलना उसको संभव नहीं है। दाब का नियम, दाब का नियम कहता है कि स्थिर आयतन पे तुम्हारा वॉल्यूम क्या हो गया, वो कांस्टेंट हो गया। दाब उसके परम ताप के अनुपातिक होती है, यानी कि जो हमारा आयतन है वो क्या है, वो तो कांस्टेंट है, और जो ये दाब है यानी कि जो प्रेशर है उसके क्या हो गया, प्रेशर क्या हो गया, उसके टेम्परेचर के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि दाब का नियम क्या है, दाब का नियम प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि प्रोपोर्शनल है कब, जब हमारा जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। मेंडेलीफ की आवर्त सारणी क्या कहती है कि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखने पर निश्चित संख्या के बाद समान गुण वाले तत्व मिलेंगे। लेकिन जो अब जो मॉडर्न जो आवर्त सारणी है ये मोजले की, उसमें उन्होंने क्या कहा, उन्होंने परमाणु क्रमांक के आधार पर कहा कि कंफ्यूज मत हो जाना, जो मेंडेलीफ वाली है परमाणु भार यानी जो एटोमिक वेट होता है उस पर क्रम में रखे जाएंगे तो निश्चित संख्या के बाद समान गुण वाले तत्व मिलेंगे। पास्कल का नियम कहता है कि संतुलन में द्रव का दबाव चारों तरफ बराबर होता है। पास्कल का नियम यह कहता है अगर हमारा द्रव का एक कमरे में लगा द्रव भर देंगे तो चारों दिशाओं में क्या होगा, उसका जो प्रेशर है वो इक्वल होगा। हुक का नियम, ये प्रतिबल सदैव विकृति के समानुपाती होता है, यानी कि जो ये आपका प्रतिबल है यानी कि जो एक फोर्स है ये हमेशा क्या होगा, ये विकृति के क्या होगा, विकृति के समानुपाती होता है, यानी कि जितना फोर्स लगाओगे उसमें ही उसमें चेंज आएगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत ये काफी इंपोर्टेंट है, इसी के कारण हमारे जो जहाज वगैरह नाव वगैरह है वो तैरते हैं यानी कि वो चलते हैं अपने पानी पर। तो किसी ठोस पर लगा उत्प्रेक्ष ठोस द्वारा हटाए गए द्रव के भीतर के बराबर होता है, यानी कि जितना उसका वेट होगा, जितने आयतन उसका वो हटाएगा उतना ही वो उस पर तैरेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि पानी का आयतन ज्यादा होना चाहिए अगर किसी जहाज को हमें तैराना होगा, वही हमारा आर्किमिडीज का सिद्धांत है। न्यूटन के तीन लॉ ये तो काफी इंपोर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। प्रथम नियम कहता है कि कोई वस्तु तब तक अपनी विराम अवस्था में होती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। मान लिया कि ये बेल रखी है, ये अपनी संतुलन की स्थिति में, तो इसमें क्या हुआ, तो जब तक आप इस पर फोर्स नहीं लगाओगे ये अपनी विराम अवस्था में बनी रहेगी। जैसे ही आपने इस पर फोर्स लगाया ये खिसककर यहां आ गई तो ये क्या है, इसकी स्थिति में चेंज आ गया। यही आपका न्यूटन का प्रथम नियम है। इसी का उदाहरण है कि जब आप बस ट्रेन गाड़ी पर बैठे होंगे अचानक ब्रेक लगते हैं तो क्या होता है, आप आगे की तरफ झुक जाते हैं, तो वो कौन से नियम के तहत झुकते हैं, तो वो प्रथम नियम के तहत आप झुकते हैं। द्वितीय नियम कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। तो जो हमारा ये फॉर्मूला है ये हमारा बराबर एम ए, यही हमारा न्यूटन का सेकंड रूल है। इसके अंदर हमें ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत मिलता है। तृतीय नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक बराबर प्रतिक्रिया होती है, इसी कारण हम जमीन पर चल पाते हैं, इसे कहते हैं एक्शन एंड रिएक्शन। और जो हमारे रॉकेट छोड़े जाते हैं आपने देखा होगा कि वो क्या करते हैं, नीचे की तरफ एक प्रेशर लगाते हैं, उतना ही प्रेशर पृथ्वी उनकी तरफ लगाते हैं, इसलिए क्या होता है रॉकेट ऊपर होकर चला जाता है। यही हमारा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, न्यूटन का थर्ड लॉ। उसके बाद आता है हमारा बॉयल का नियम, उसमें दाब के नियम में क्या था, उसमें था वॉल्यूम कांस्टेंट, इसके अंदर ताप जो टेम्परेचर है ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो आयतन क्या हो जाएगा, अब इस बार जो उसका आयतन है वो जो है हमारे दाब के इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, इनके प्रोपोर्शनल हो जाएगा वॉल्यूम के। तो बॉयल का नियम में टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है और दाब के नियम में
वेग जो वॉल्यूम है वो कॉन्स्टेंट हो जाता है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत, संवेग संरक्षण सिद्धांत ये कहता है कि दो या दो से अधिक वस्तुएं एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करती हो, वह कोई बाह्य बल ना आरोपित हो तो वे सर्वदा कैसे रहेंगे, वे सर्वदा संरक्षित रहता है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, यानी कि जो जी है गुरुत्वाकर्षण, यानी कि जी बराबर जो होता है F1F2/R2, दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले बल का परिणाम पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के तो समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्गमूल होता है। तो ये M1 और ये जो M2 है इनके तो वो क्या हो गया, समानुपाती हो गया, उनके बीच की दूरी के R2, उनके दूरी के वर्गमूल होता है। यही आपका क्या है, यही आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी है। जहां पे जी है यहाँ पर आएगा और यहाँ पर ये एफ आएगा, और इसका ये अक्सर जी की वैल्यू पूछ लेता है, समथिंग 9 11 पॉइंट समथिंग कुछ है। चार्ज का नियम क्या रहता है, दाब नियंत्रण है। तो चार्ज में क्या हो गया, C4 चार्ज, इस बार क्या प्रेशर, इस बार प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा और जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, वो वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो दाब के नियम में तो कौन सा होता है, दाब के नियम में तो आयतन निश्चित होता है, और बायस के नियम में कौन था, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हुआ था, और चार्ज के नियम में अब हमारा प्रेशर कॉन्स्टेंट हो गया। ऐसे ही वन मोर वन एनर्जी के देखने के लिए सब्सक्राइब करें द ई लर्निंग स्कूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।